भारत के तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम तीर्थ नगर में स्थित देवी त्रिपुरा सुंदरी रूप में देवी कामाक्षी को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। यह मंदिर कांचीपुरम शहर के मध्य में स्थित है। कामाक्षी अम्मन मंदिर, मदुरई के मीनाक्षी मंदिर, तिरुवनेकवल के अखिलेंदेश्वरी मंदिर तथा वाराणसी के विशालाक्षी मंदिर, ये सारे मंदिर पार्वती जी के मुख्य मंदिर है। इस मंदिर में देवी पार्वती जी की पद्मासन में विराजित भव्य मूर्ति है। कामाक्षी तीन शब्दों में से बनी एक संधि है, का, मा एवं अक्षर। का मतलब होता है सरस्वती, मा अर्थात लक्ष्मी एवं अक्षर जिसका अर्थ है चक्षु व आंखें, अर्थात वो देवी सरस्वती एवं लक्ष्मी जिनके चक्षु हैं। कामाक्षी मंदिर भारत देश के 52 शक्तिपीठों में से एक एवं अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है। क्रोध से तपते शिव जी ने जब देवी सती की देह को उठा के तांडव किए थे तब देवी सती की नाभि यहां गिरी थी। इस स्थान को नाभि स्थान भी माना जाता है। भगवान शिव जी से विवाह की अभिलाषा लेके कामाक्षी अम्मन ने सुई की नोक के ऊपर एक पांव पर खड़ी होकर तपस्या की थी। उनकी अभिलाषा पूर्ण हुई एवं फाल्गुन मास के उत्तर नक्षत्र में भगवान शिव जी से उनका विवाह हुआ। यहाँ देवी कामाक्षी का सोने का एक चित्र भी था जिसमें उन्हें तपस्या की मुद्रा में एक पांव पर खड़े हुए चित्रित किया गया था। इस चित्र को बंगारू कामाक्षी भी कहा जाता है। मंदिर के ऊपर आक्रमण की आशंका से इस चित्र को तंजावुर स्थानांतरित किया गया है। अब इस चित्र तंजावुर में स्थित है। इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह को गायत्री मंडप कहा जाता है। यहाँ कामाक्षी अम्मा पद्मासन की योग मुद्रा में बैठी है। उनका आसन पंच ब्रह्मासन है। कामाक्षी अम्मा की चार भुजाएं हैं। उनके निचले करों में गन्ना एवं पांच पुष्पों का गुच्छा है। वहीं ऊपरी दोनों हाथ में शस्त्र, पास एवं अंकुश धारण किए हुए। उनके पास में एक तोता भी है। देवी की प्रतिमा को सदैव चटक रंगीन साड़ी एवं संपूर्ण श्रृंगार द्वारा अलंकृत रखा जाता है। कहा जाता है कि अयोध्या के सूर्यवंशी इक्ष्वाकु वंश के सम्राट एवं भगवान राम के पिता दशरथ ने यही पुत्र कामाक्षी यज्ञ किए थे। इसके पश्चात शीघ्र ही उन्हें चार पुत्र रत्नों की प्राप्ति हुई थी। तभी से लोगों में यह मान्यता उत्पन्न हो गई है कि इस मंदिर में प्रार्थना करने पर निसंतान दंपति को संतान प्राप्ति होती है। गर्भगृह के भीतर चांदी से लिपटा एक स्तंभ है। इस पर एक छिद्र है जो देवी की नाभि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसी मान्यता है कि यही भक्तों को संतान प्राप्ति का वरदान प्रदान करते हैं। कामाक्षी मंदिर के बारे में हमें जितना कुछ जानकारी पता था हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको मंदिर के बारे में और कुछ जानकारी पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए। आप जब भी तमिलनाडु जाएंगे कांचीपुरम में विष्णु कांची, शिव कांची, कामाक्षी मंदिर जरूर जाइए। विष्णु कांची के बारे में हमने वीडियो बना लिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप वहां जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।